जिद्दी महंगाई आम लोगों की रसोई से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है। आलू प्याज की महंगाई पहले ही लोगों को परेशान कर रही थी और इस बीच टमाटर ने भी अब नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को देश में टमाटर का औसत मॉडल भाव 80 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। एक महीने पहले मॉडल प्राइस 40 रुपए प्रति किलो था, यानी महीने भर में भाव 100% बढ़ चुके हैं। बारिश के दिनों में सप्लाई घटने और रोड नेटवर्क प्रभावित होने से टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। देश की कई मंडियों में टमाटर के भाव 80 रुपए से 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के शहरों में दाम 130 रुपए को पार कर चुके हैं। उत्तर भारत में इस समय हिमाचल प्रदेश का टमाटर बाजार में आता है, लेकिन वहां भारी बारिश के कारण रोड नेटवर्क खराब हो चुका है और इसके चलते सभी प्रमुख मंडियों में सप्लाई घट चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मूल्य निगरानी प्रभाग के अनुसार टमाटर का दैनिक औसत खुदरा मूल्य 3 जुलाई को 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगले ही दिन ये 57 रुपए के पार निकल गया, जबकि एक महीने पहले ये 35 रुपए प्रति किलो था। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम में टमाटर की औसत कीमत 78 रुपए के पार बनी हुई है। दिल्ली में भी टमाटर की औसत कीमत 50 रुपए को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में टमाटर के भाव 60 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। पंजाब की मंडियों में भी टमाटर 43 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी टमाटर 54 रुपए के पार है। कारोबारियों के अनुसार बारिश का दौर अभी शुरू हुआ है और लगभग एक महीने फिलहाल यही हालात रहेंगे। ऐसे में टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियों के दाम भी चढ़ने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में 7 जुलाई तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD ने गुरुवार को राज्य के लिए अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि मानसून समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती स्थिति बन रही है। इससे भूस्खलन और मिट्टी धंसने की संभावना है, जिससे सड़क मार्ग और यातायात बाधित हो सकता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि भारी बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि उत्पादक राज्य हिमाचल में भी टमाटर के भाव 45 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। पिछले साल भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कुछ खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 350 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई थी। इसकी वजह से फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड के उत्तर भारत के संचालकों को कुछ दुकानों में टमाटर का उपयोग अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। मानसून के महीने में आमतौर पर सब्जियों की कीमतों में उछाल आता है, क्योंकि बारिश के कारण कटाई और पैकेजिंग सहित कटाई प्रभावित होती है। बारिश के कारण परिवहन के दौरान अधिक सब्जियां बर्बाद होती हैं, जिससे कीमतें भी प्रभावित होती हैं। लेकिन इस साल टमाटर बीते महीने से ही सुर्ख हो रहा है। इस साल जून में ही कुछ बाजारों में टमाटर की कीमतें बढ़ने लगी हैं। खासकर दक्षिण भारत में देश के बड़े हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति थी, जिससे बागवानी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सबसे बुरी मार दक्षिण राज्यों पर पड़ी। कर्नाटक के टमाटर के भाव भी 40 रुपए के पार निकल गए थे। भीषण गर्मी के कारण महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में टमाटर के भाव 50 रुपए के पार निकल चुके थे।